इस मॉड्यूल में हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के इम्पॉर्टेंट डिफरेंट करेक्टरिस्टिस के बारे में डिस्कशन करेंगे कॉपीपोडस जिसका हमने पहले भी जिक्र किया कि इम्पोर्टेंट एनिमल्स हैं और ये कापीपोडस जो है सी के अंदर फूड चेन का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इसके अलावा लॉबस्टर्स स्पाइडर माइट्स इंसेक्ट्स ये इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल हैं आर्थरोपोडस की जो कि हमें इर्द गिर्द नज़र आती है जोलॉजिस्ट जो है इन्होंने अभी तक आर्थ्रोपोड्स की वन मिलियन स्पीशीज़ को डिस्क्राइब किया है इसके अलावा बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ भी होंगी जो कि अनडिस्क्राइब्ड हैं और जिनके ऊपर डिस्क्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो जारी है अब फि थर्टी टू फिफ्टी मिलियन स्पीशीज़ जो हैं नॉर्मली हम कह सकते हैं आर्थ्रोपोड्स की अनडिस्क्राइब्ड है अब इसके इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स में क्या है मेटामेरिज्म टेगमेटाइजेशन एक्सोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन जो है वो इसके अंदर काइटनियस होगा एक्सोस्केलेटन स्पोर्ट प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और इट इज मॉडिफाइड टू फॉर्म सेंसरी स्ट्रक्चर पेयर्ड जॉइंट अपेंडिजीज हैं ग्रोथ के लिए इसके अंदर एक्डाइसिस या मोल्टिंग का प्रोसेस है और नर्वस सिस्टम जो है दैट इज़ यूजुअली वेंट्रल सिलोम इज रिड्यूस्ड टू कैविटीज दे आर सराउंडिंग द गोनेड्स एंड समटाइम्स देर आर एक्सक्रीटरी ऑर्गेंस टू ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा और इसमें जो है टिश्यूज ब्लास्टोसली बॉडी कैविटी से डिराइव्ड है कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है मेटामॉर्फोसिस मौजूद है दिस रिड्यूस द कंपटीशन बिटवीन अडल्ट एंड द इमेच्योर्स इस डायग्राम से हम आपको थ्री बेसिक करेक्टरिस्टिक्स जो कि आर्थ्रोपोड्स के इंसेक्ट्स और इसके रिलेटिव्स पे नजर आएंगे वो एक्सप्लेन करेंगे इंसेक्ट बैग बग स्पाइडर ब्राउन स्पाइडर अब इंसेक्ट्स के इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं जॉइंटेड अपेंडेज़ सेगमेंटेड बॉडी एक्सटर्नल स्केलेटन आर्थ्रोपोड्स के अंदर इंसेक्ट्स जो हैं नॉर्मली सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं और इंसेक्ट्स अर्बन एंटोमोलॉजी में इनका इंपॉर्टेंट रोल है ये बेनिफिशियल भी हैं मोस्टली हार्मफुल भी हैं ह्यूमन बींग्स को भी डिजीज़ कॉज करेंगे एज अ पेस्ट भी यूज़ होंगे और इनकी इंसेक्ट की पापोलेशन जो है वो इतनी है कि इनको कंट्रोल करने के लिए समाइम्स इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स यूज़ करने पड़ते हैं मगर फिर भी इनकी पापुलेशन कंट्रोल नहीं होती और उसकी बहुत सी रेजिस्टेंट वेराइटीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट हो जाती हैं तो आर्थ्रोपोडा के अंदर इंसेक्टा की इम्पोर्टेंस जो है उससे हम इनकार नहीं कर सकते लेकिन कुछ इंसेक्ट्स जो है वो बेनिफिशियल भी हो सकते हैं उसमें ये हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉलिनेटर्स बटरफ्लाई हनी बी ये सब मौजूद हैं तो अर्बन और एग्रीकल्चर के अंदर इंसेक्ट्स जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लास है उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है